चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला महिलाओं एवं बालिकाओं को कराए जाने वाले निःशुल्क RSCIT कोर्स के बारे में, और साथ ही फ्रेंड्स इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर में, तो मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना RKCL, यह लिख के आपको इसमें सर्च कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आती है, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, इस प्रकार का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, महिलाओं एवं बालिकाओं के निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। तो इस प्रकार का जो पेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इस योजना के बारे में कम्प्लीट डिटेल पता कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक के मिल जाएगी, आपको जो भी इसके बारे में डिटेल लेना हो तो यहाँ आवेदन की डेट के बारे में यहाँ आपको मिल जाएगा, अंतिम तिथि के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फॉर्म सबमिट करने के बारे में यहाँ से आप इसका जो है आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको जो है RSCIT के जो सेंटर होते हैं उनकी लिस्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से RSCIT के सेंटर की जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आप जब भी आवेदन करो तो यहाँ से आप अपने नज़दीकी सेंटर का पता इसमें से कर सकते हो और उसमें फिल कर सकते हो। तो अब मैं आपको फ्रेश आवेदन करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, वो भी आपके मोबाइल से। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेना, उसके बाद में ये कैप्चर कोड एंटर करके यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, जो उसको आपको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाते हैं कि RSCIT के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या आयु चाहिए और क्या प्रशिक्षण की अवधि है, और उसके साथ टेली वाले कोर्स की भी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको RSCIT के लिए 10वीं पास मिनिमम होना आवश्यक है, उसके बाद में आयु जो है 16 से 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, और प्रशिक्षण की अवधि है वो 132 घंटे यहाँ पे दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इनको चेक कर लेना। उसके बाद में आपको आवेदन के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो अगर आप RSCIT के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप टेली के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है, या फिर आप इंग्लिश वाले जो कोर्स है उसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ RSCIT के लिए आवेदन करके आपको दिखाने वाले, तो सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लेने। तहसील सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे दो सेंटर की परफॉर्मेंस पूछी जाती है। आप जिस भी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो वो वाला सेंटर आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले इस पर डाल लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेकेंड वाले इसमें कोई दूसरा जो सेंटर है वो आपको यहाँ पर डाल लेना। तो इस प्रकार से आपको दो सेंटर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे देने हैं। सेंटर की परफॉर्मेंस देने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने सेंटर की जो डिटेल है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और एड्रेस कंप्लीट देखने को मिल जाता है, तो आपको चेक कर लेना कि आपने जो सेंटर एंटर किया है या सेंटर सेलेक्ट किया है वो सही है या फिर नहीं, तो आपको कंप्लीट ये चेक कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको अपना नाम दे देना। उसके बाद में यहाँ पर अपने फादर्स का नेम एंटर कर लेना, और साथ ही यहाँ पे मदर का नाम भी आपको एंटर कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेने। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जेंडर के बाद में आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको माध्यम सेलेक्ट कर लेना, आप इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में करना चाहते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिजिकल चैलेंज के बारे में पूछा जाता है, अगर आप विकलांग हो या फिर अदर कोई है तो आप यस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको नो पे सिलेक्ट करना। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप आंगनबाड़ी में वर्क करते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पे आपको नो या अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना। उसके बाद में आपसे यहाँ पर प्रूफ आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से कोई सा भी एक प्रूफ आइडेंटिटी दे देना। अगर आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर आई डी कार्ड हो या कोई सा भी गवर्नमेंट आई डी कार्ड हो तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर एंटर कर, उसके बाद में जन आधार नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है, आप इन्हें डाल भी सकते हो और आपकी इच्छा नहीं भी डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कंप्लीट अपना एड्रेस फिल कर लेना और साथ ही यहाँ पर पिन कोड आपको एंटर कर लेना। मोबाइल नंबर आपके ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे, आपको मोबाइल नंबर इसमें एंटर करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको असेंबली एरिया को सिलेक्ट कर लेना, तो आपको अपनी जो तहसील है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एरिया टाइप सिलेक्ट कर लेना, अगर आप शहरी हो तो अर्बन को लगाना और ग्रामीण हो तो रूरल को लगा लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कास्ट कैटेगरी के बारे में पूछा जाता था, अगर आप ST या SC में हो तो आपको सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको इसमें जो है बहुत छूट मिलने वाले, तो अपने जो कैटेगरी है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेने। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी कास्ट डाल देने, आप किस कास्ट में आते हो। कास्ट एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मॉनेटरी वाले ऑप्शन पर नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सिलेक्ट रीजन वाले ऑप्शन पर आपको अपना जो धर्म है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना, अगर आप BPL में नहीं हो तो। अगर आप BPL में हो तो यहाँ पर आपको येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ TSP और नॉन TSP वाले आपको ऑप्शन में आपको नॉन TSP सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में पूछा जाता है, तो आपको 10th की जो डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ पे आपको एंटर कर। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना, आपने जिस भी बोर्ड से 10th पास किया, उसके बाद में 10th के रोल नंबर, परसेंटेज, और यहाँ पर आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, आप जिस भी डिवीजन में पास है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना कि आपने 10th कौन से ईयर में पास किए थे, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने पासिंग मंथ डाल लेना, आपको अपने मार्कशीट में से देखे इसको एंटर कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जो कंप्लीट डिटेल है वो दे देना है। ग्रेजुएशन की डिटेल डालने के लिए आपको यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिटेल दे देनी। अगर फ्रेंड्स आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आपको उसकी कंप्लीट जानकारी देनी, क्योंकि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ग्रेजुएशन की डिटेल कंप्लीट एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना था। फोटो की जो साइज है वो 3 से 5 KB के बीच में होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है उसकी 1 से 3 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि फोटो की जो साइज है वो 3 से 5 KB के बीच में किस प्रकार से रख सकते हैं, ताकि हमारी जो फोटो की क्वालिटी वो बिल्कुल भी कम ना हो, तो उसका जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है उसकी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पता कर सकते हो कि आप किस प्रकार से जो है इतनी कम KB में अपने फोटो को बना सकते हो। तो उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ पे अटैच कर लेना था। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना और साथ में यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पे आपको अपलोड कर देने, अगर आपने ऊपर ग्रेजुएशन की डिटेल डाले हैं तो। डॉक्यूमेंट्स की जो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में आपको रखने। उसके बाद में आप अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, तो यहाँ पे आपको एज प्रूफ के तौर पर 10C की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है और साथ ही यहाँ पर वोटर ID कार्ड, अगर आपने ऊपर डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने ID कार्ड जोड़ा हो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने SC या ST कैटेगरी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। उसके बाद में अपलोड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इनको अपलोड कर देना। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन वाला पेज देखने को मिल जाएगा, तो आपको इनको रीड कर लेना, और रीड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको मैसेज के माध्यम से इसका जो नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा, और इसका जो सबमिट वाला फॉर्म है वो आप इसके होम पेज में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप RSC IT का जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, वो भी घर बैठे। RSC IT के लिए जो आवेदन वो पहले आओ पहले पाओ की स्कीम पर हो रहे, तो आपको जल्दी से जो है अपना आवेदन करना है ताकि आपका जो RSC IT में नंबर आ सके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस